चीन की सरकार लोगों के फोन की जांच करवा रही है, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए फोन की जांच करवा रही है। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम लोगों के फोन की जांच करवाई जा रही है। शंघाई के एक जिले में, चीन में शंघाई के एक जिले में फोन जांच के आदेश दिए गए हैं, खासतौर से छात्रों के फोन चेक करने के आदेश दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके फोन चेक करने के आदेश दिए गए हैं। तो चीन में फोन की जांच आखिर क्यों हो रही है, अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ऐसी वजह है जो चीन ने इतना सख्त आदेश जारी किया है। आपको बताते हैं कि चीन में फोन की जांच क्यों हो रही है। एप्स में बैन जांच किया जा रहा है, यानी एप्स को बैन किया जा रहा है, जिसमें एक्स ट्विटर भी है। लोगों के फोन में बैन एप्स तो नहीं, ये जानने के लिए फोन की जांच होगी। YouTube को देखने के लिए भी जांच होगी कि कितने युवा YouTube यूज कर रहे हैं। कोई डाटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है या फिर अवैध तौर पर तो नहीं हो रहा है। TikTok अब इस ऐप के जरिए पर भी नजर है, यूनिवर्सिटी छात्रों पर ज्यादा नजर है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं टेलीग्राम ऐप भी है, अभी सिर्फ शंघाई में ही जांच के आदेश दिए हैं इसको लेकर, लेकिन आगे जांच बढ़ सकती है। पोटैटो और शैडो रॉकेट VPN, ये कुछ ऐप्स हैं जिनकी जांच की जाएगी कि फ़ोन के भीतर, युवाओं के फ़ोन के भीतर इस तरह के ऐप्स हैं या नहीं हैं। अब आदेश क्या दिया गया है आपको वो बताते हैं। चीन की सरकार ने क्या आदेश दिया है, जो चेक होगा फ़ोन वो कैसे होगा, बारीकी से हो हर फ़ोन की जांच, ये कहा गया है इस आदेश में। बैन ऐप इस्तेमाल करने वालों की जानकारी दी जाए, आईडी परिवार की डिटेल ली जाएगी इस आदेश के जरिए, मौके पर ही फोटो खींचेगी, जो टीम जाएगी जांच करने वो मौके पर फोटो खींचेगी, फोन नंबर लेना होगा, बैन ऐप इस्तेमाल पर माफीनामा देना होगा, यानी जो ऐप बैन है, जो ऐप जिस पर प्रतिबंध है उस पर माफीनामा देना होगा।